जॉर्डन में हुई अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता में रोहतक जिले के मोखरा गांव की रहने वाली नितिका ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान की पहलवान को हरा कर गोल्ड मेडल जीता और देश का मान बढ़ाया। अपनी इस जीत के बाद घर लौटने पर नितिका का भव्य स्वागत किया गया। नितिका ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने कोच, परिवार और अपनी मेहनत को दिया। तो वहीं वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ट्रायल में दी गई छूट को लेकर वे नाखुश भी नजर आई। तो किसके साथ था आपका मुकाबला? फाइनल में उज़्बेकिस्तान। तो कितना टफ मानते थे इस मुकाबले को? मतलब मैंने प्रैक्टिस इतनी कर रखी थी, इतना टाइट नहीं लगा। तो आगे क्या है आपका सपना? अभी नेक्स्ट मंथ में जूनियर वर्ल्ड भी है, टारगेट तो ओलंपिक ही है। तो कितने दिन, एक दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिन रात? सुबह 5:30 से 9 बजे तक, शाम को जाते हैं 5 बजे 8 बजे जाते हैं। तो इसका जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? मेरे कोचेस को, मेरे फैमिली को और जो मेरे पार्टनर मेरी प्रैक्टिस कराते हैं। खुशी हो रही है? जो खेल खिलाड़ियों का जंतर मन पे धरना चल रहा था, आप लोगों के मनो उस पे पड़ा कुछ असर? जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था उस पे खिलाड़ियों पे कुछ असर हुआ था? इस तरह से कह रहे थे कि भाई खिलाड़ियों के लिए हम लड़ रहे हैं, वो सीधा अगर जा रहे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, उनसे तो फर्क पड़ेगा। वो मतलब अपने 4-4, 5-5 साल से लगातार इसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके दिमाग से तो असर पड़ रहा है। तो जिस तरह से अभी जो कमेटी का फैसला है उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल गलत है सर, वो बिल्कुल ही गलत है। कैसे? वो तो कह रहे कि हमने तो जो प्रैक्टिस उस दौरान जो धरना होता है इसलिए हमने प्रैक्टिस के लिए वो किया था। और जो और बच्चों ने कर रखी है उनके लिए ट्रायल ले लो, ट्रायल में फर्स्ट होके जाओ, अगर है तो कुछ मतलब ट्रायल में जाओ ना। तो सबको इक्वल रखना चाहिए, आपका ये कहना? नितिका के पिता भी अपनी बेटी की जीत के लिए काफी खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि उनका सपना पूरा हो गया है। उनकी 3 बेटियां और उन्होंने कभी बेटे बेटियों में फर्क नहीं किया। तो जो बेटियों को इतनी तवज्जो नहीं देते हरियाणा में खासकर, तो लड़कियों को लेकर क्या मानसिकता रहती है लोगों को? मेरे तो 3 लड़की है, तो लड़कों से भी ज्यादा समझ गया मैं। अच्छा, तीनों लड़की पहलवान है क्या? नहीं जी, एक लड़की पहलवान है, एक मेरी लड़की है, उसमें तो नर्सिंग ऑनर्स का कोर्स करेंगे, एक 9th क्लास। अच्छा, अपनी बेटी को ये कुश्ती में ही क्यों डाला आपने? कुश्ती में पहले तो मैं करता था। अच्छा, पहलवान थे आप? हाँ, तो गाइडनेस बुनियाद हुई रहेगी लेकिन मतलब बेटी का अपना शौक हो गया, लाए थे तो बड़ी बेटी को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये अपने आप साहब के पास चली गई, अभी मैं भी कुश्ती करने लगूँगा। हम लोग 2-3 दिन बाद में पता चला था लड़की बात से भी हो जाने लगी। तो आपका सपना पूरा कर रही है जिस तरह से? बिल्कुल पूरा कर रही है, लेकिन थोड़ा टाइम में और मतलब रिजल्ट बढ़िया है। खुशी हो रही है बहुत? हाँ बिल्कुल खुशी हो रही है जी, हर माँ बाप को इतनी खुशी होनी चाहिए जिसके बच्चे करते हैं गेम करते हैं, हर एक बच्चे को मतलब ये मौका मिलना चाहिए। नितिका की जीत के बाद उनके कोच काफी खुश नजर आए, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पुलिया को ट्रायल में दी गई छूट को लेकर उन्होंने कहा ये जूनियर खिलाड़ियों के मनोबल को तोड़ने वाला फैसला है, सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। बहुत खुशी होती है जब बच्चे का मेडल लेकर आता है इंटरनेशनल लेवल पर, अभी नितिका जूनियर PCR मेडल आया है, उसका पहला गोल्ड है, खुशी है, मेहनत भी करी है। अच्छा, अभी जो जंतर मंतर पे धरना दिया उसके बाद अभी आयोग की जो डिसीजन आया है 5-6 खिलाड़ियों के लिए, उसको किस तरह देखते हैं? सर ये इसमें क्या पहले जो उनके साथ उस बात को लेकर बैठे थे उसमें सारा उनके साथ थे सर, लेकिन उसके बाद अभी जो ये लास्ट अभी फाइनल जैसे जैसे अभी वाद विवाद के बाद अभी बात ट्रेल पर आके रुकी है, तो जहाँ भी एड हॉक कमेटी ने जो भी डिसीजन दिया इसमें अब जैसे जूनियर बच्चे हैं, क्योंकि हर कम्पिटिशन में एक नया चैम्पियन मिलता है एक वेट का, तो आप अगर एक साल कंपटीशन से बाहर हैं तो फिर आप नए बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें मनोबल मिलता है, और ये डिसीजन मेरे को लगता है कि सरकार भी इसमें दखल देना चाहिए, और हमारी अपील है इसमें कि सभी बच्चों की फिर ट्रायल हो, इसमें किसी का ये नहीं कि भाई किसी को इसमें कोई बेनिफिट मिले,
फेयर मिले, जो फर्स्ट आए वो जाए, देश के लिए सारा देश उसके साथ है जो फर्स्ट आएगा और अपना देश के लिए मेडल जीते। सब हम तो तिरंगे के मान सम्मान के लिए खिलाड़ी और सभी उसके लिए प्रयास करते हैं। जो एड कमेटी का फैसला वो गलत रहा है अभी? हाँ जी, जो एड कमेटी का फैसला गलत रहा है क्या आपके हिसाब से? सर ये जूनियर बच्चों के साथ बहुत बड़ा एक धोखा ही है, क्योंकि जो बच्चे कोई भी बच्चा गेम करता है उसका एक टारगेट होता है कि वो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में मेडल लेके आए। गेम्स एक टूर्नामेंट होती है जो 4 साल में होती है, तो हर एक बच्चे का उसका इंतज़ार होता है कि वो गेम्स में पार्टिसिपेशन करेगा और वहाँ मेडल जीतेगा। जिस हिसाब से अभी 4 साल में आते एशियन गेम्स, और अभी इस साल के जो भी 22 में उसके थे वो पोस्टपोन हो गए थे, अभी 23 में जो उनका हो गए थे पिछले साल में थे वैसे तो, लेकिन अभी 2023 में है अभी उसमें अक्टूबर में, तो उसकी ट्रायल है। अभी बहुत गलत डिसीजन है सरकार की हेड कमेटी का, और हम अपील करते हैं कि इसको सरकार दखल दे और इसको सभी फेयर ट्रायल कराकर फेयर अच्छे बच्चे को जो अपने बेटे का अच्छा हो उसमें कोई भी फर्स्ट टाइम हो जाए उसके साथ देश पूरा देश उसके साथ। बता दें कि नितिका के घर आने पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही है और घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। वहीं नितिका का कहना है कि अब वो विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक के जरिए अपनी तैयारियां करेंगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।